Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. Hello. आपकी पहले भी मुलाकात हुई है इससे। सलमान साहब को कहाँ याद रहता है? मैंने सुना आप भूल जाते हैं लोगों को। नहीं नहीं, I remember, हम शॉपिंग मॉल में मिले थे ना? जी। अरे वाह, आप फीफी से जब पहली बार मिले थे, मेरा मतलब फलक से, तो उसे तो आप भूल गए, मैं आपको याद रहा। इंटरेस्टिंग। 2 महीने से आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। काफी कम टाइम है। कम टाइम है? मुझसे पूछिए, मैंने कभी भी किसी से दोस्ती करने में पहल नहीं की, और स्पेशली एक लड़के से। मैं भी बिल्कुल ऐसा हूँ। मैंने खुद कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, और खास तौर पे लड़कियों से। क्या कहना है तुम्हें? शादी कर लो मुझसे। लेकिन अब मेरे और तुम्हारे बीच में सलमान आ चुका है। हमजा, वेट, स्टॉप। लुक एट मी यार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? बोलो। वो तुम्हारा फोन तक तो उठाता नहीं है, और तुम हो गए उसके लिए पागल हो जा रही हो। ये मेरा और उसका मसला है। हाँ तो ठीक है, तुम लोग आपस में दोनों अपने मसले सुलझाओ, लेकिन फीफी, तुम मेरी शक्ल आखिरी बार देख रही हो? That's unbelievable, amazing. अब इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। यूँ लगता है कि तुमने मुझे सामने बिठा के ये स्कल्पचर बनाया। मुझसे आपने दोस्ती इसलिए की क्योंकि मेरी शक्ल आपके स्कल्पचर से मिलती है। कोई और वजह भी होनी चाहिए थी क्या? ये तो आप बताएंगे। मेरा नाम उसको याद नहीं रहता, चेहरा वो पहचान नहीं सकता, फोन नंबर वो सेव करना भूल जाता है, लेकिन जो भी है, सलमान आंसर मेरे जहन में बस चुका है, निकलता ही नहीं। जी, किनसे मिलना आपको? मैरूनी साहब आजी हैं। ठीक है, आप यहाँ रुकें, मैं भी उनको मालूम करके आता हूँ। अच्छा, पापा से कह देना मैं तुम्हारी फरमाइशी नहीं पूरी कर सकती। He is the one who spoils you anyway. क्या हुआ? वो बेगम साहबा बाहर नादरा आई हैं। तुमने कहा तो नहीं कि मैं घर पे हूँ? नहीं जी, मैंने उन्हें नहीं बताया। तो ठीक है, जाकर कह दो बेगम साहबा घर पे नहीं है। बेहतर बेगम साहबा। एक फिर अम्मा भी ना सारे गरीब रिश्तेदारों को मेरे घर का रास्ता दिखा देती है, और वो मुंह उठाकर आ जाते हैं। I don't know what to do. मामी, अगर आपको मदद ही करनी है इनकी, तो आप नासरा के हाथ भिजवा दें पैसे। नासरा, ये लो। क्या मैरूनिसा घर पर नहीं है? अगर कोई अपने मुंह से ये कह दे कि मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब है वो गैर हाजिर है। जो दरवाजा भी ना खोलता हो, उस घर में आने को किसका दिल करता है। मैं सदका और खैरात लेने आती हूँ, जायदाद में हिस्सा नहीं मांगने आती। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ तो हुआ है यार। 2 दिनों से सलमान ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की है। क्यों? यही तो नहीं पता क्यों। तुम दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? Are you mad? तुम्हें लगता है मैं सलमान के साथ झगड़ सकती हूँ? तो नहीं, मस्ट बी बिजी, या अभी तक तुमसे बोर हो चुका होगा। That is not funny, रुशना। अच्छा ना, मे बी उसकी तबीयत खराब है। अगर तबीयत भी खराब है, I don't get it, वो मुझे कॉल तो कर सकता है, मैसेज का रिप्लाई तो कर सकता है। अच्छा रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? कृष्णा, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है। अपना नंबर क्यों चेंज करेगा फलक? I think he's avoiding me. I'm telling you, he is avoiding me. हालांकि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, लेकिन why isn't he attending my calls यार? अच्छा फलक, प्लीज सब्र से काम लो यार। क्या, कैसे सब्र से काम लो? And you know this better than anybody else. सलमान के मामले में मैं सब्र से काम नहीं ले सकती। फलक, फलक, अच्छा, फलक। Hi बेटू। Mom, I'm glad तुम आ गई, मुझे फोन करने वाली थी अभी। क्यों? भूल गई हो? नायमा के यहाँ जाना है। मुझे नहीं जाना नायमा के। क्यों? तुमने खुद तो उससे कहा था, 10 बार फोन कर चुकी है वो। मेरा मूड नहीं होगा मम्मी। ये तुम्हारे मूड का आज का क्या हो जाता है? बैठे बिठाए ऑफ हो जाता है। बहस क्यों कर रही है मम्मी? नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया, as simple as that। कोई भी बहाना बना दो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। हेलो फला, कैसी हो तुम? यार सलमान का तो पता कराओ, पता नहीं कहाँ है वो, उसका फोन भी बंद जा रहा है। अच्छा, फोन क्यों बंद किया उसने? मुझे क्या पता यार, मैं सोच रही थी कहीं बीमार ना हो गया हो। नहीं, बीमार नहीं हुआ। बीमार होता तो फरहान से जरूर इस बात का जिक्र करता। अभी तो उसके घर होके आया है वो कल ही। कहीं उसने अपना नंबर तो नहीं चेंज कर लिया? परेशान मत हो, मैं भी तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ फरहान से बात करके। बल्कि ऐसा करती हूँ, फरहान से कॉल करवा देती हूँ। करवा दो यार। बल्कि फरहान से कहती हूँ कि सलमान से करवा दे तुम्हें कॉल। थैंक्स। यू वेलकम। ओके बाय। हाँ मरियम। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही फरहान की उससे बात हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। बल्कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें कॉल भी करने वाला है। थैंक गॉड यार, तुम्हें नहीं पता किस किस तरह के वहम आ रहे थे मेरे दिमाग में। ये वहम वहम छोड़ दो तुम, सलमान बहुत अच्छा लड़का है फलक। आई नो दैट, लेकिन फिर भी जब कोई इस तरह गायब हो जाए तो परेशानी तो होती है ना। अच्छा सुनो, मैं शॉपिंग पे निकलने वाली थी जब तुम्हारा फोन आ गया, तब से अब तक फोन पे ही चिपकी हुई हूँ मैं। ओके बाय। नासरा, फलक को भी बुला कर लो। वो कह रही है मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले उन्हें बुलाने के लिए गई थी। अजीब लड़की है ये, हर दूसरे तीसरे दिन इसने खाना नहीं खाना होता। हाँ जी, ये तो मैंने भी देखा है, बाजी को खाने की परवाह नहीं होती। क्यों, ये फलक को क्या हुआ? पता नहीं, या तबीयत खराब होगी या मूड ऑफ होगा। मूड ऑफ किस बात पे? ये अपनी लाडली से खुद पूछ ले, मुझे नहीं मालूम। मैं जरा देख के आता हूँ। खाना तो खा ले। नहीं, पहले देख लूंगा। तुम्हारे साहब जब तक तो इसको देख ना ले तो इनको चैन नहीं आता। अब अल्लाह करे कि इसी तरह से नाज नखर उठाने वाला शौहर भी मिल जाए, वरना पता नहीं क्या करेगी। आमीन। आ जाओ। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ पापा। मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, I'm fine। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा पापा। क्यों, भूख क्यों नहीं लग रही? कभी कभी नहीं दिल चाहता ना खाना खाने को। बेटा कोई सैंडविच या फिर सैलेड ले लो। पापा I mean it, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को। बेटा तुम दिन ब दिन खाने के मामले में केयरलेस होती जा रही हो। नहीं पापा। अच्छा पापा, मैं सोने से पहले खाना खा लूंगी। श्योर, प्रॉमिस? ओके, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो सलमान, आई एम सॉरी मैंने आपकी कॉल मिस की। एक्चुअली वो पापा अभी रूम में से गए हैं। तुमने फरहान को फोन करके ये क्यों कहा कि वो मुझे कॉल करे? मैंने फरहान को तो फोन नहीं किया, मैंने तो मरियम को। तुमने मरियम को भी फोन क्यों किया? आपको बुरा लगा? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा, क्योंकि बुरा लगने वाली बात है। अगर तुम शक्की गर्लफ्रेंड्स की तरह मेरे पीछे पीछे हर जगह फोन करती फिरोगी तो मुझे बुरा ही लगेगा ना। सलमान मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मरियम को फोन किया था। आप मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तुमने ये नहीं सोचा कि फरहान और मरियम क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर तुम इस तरह फोन करोगी उनको? मैं परेशान हो गई थी, आप फोन नहीं उठा रहे थे। क्यों हो गई थी परेशान? आखिर मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट ही क्या है? मैंने क्या वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा फोन उठाऊंगा? तुम मेरी लगती ही क्या हो, गर्लफ्रेंड, बीवी? बताओ। वादा तो नहीं किया था, लेकिन बिना वजह दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। प्लीज स्टॉप स्टॉकिंग मी, ओके? आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की मुझसे जिस तरह उसने की। क्या जरूरत है मुझे ऐसे आदमी से बात करने की जिससे मेरी परवाह तक नहीं। मैं दोबारा कभी उसे फोन नहीं करूंगी। वो समझता क्या है अपने आप को? फलक, फलक उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज? क्या मतलब नहीं, क्या हुआ है? नहीं जा रही आज यूनिवर्सिटी। क्यों फलक? तबीयत नहीं ठीक। तुम्हें तो बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें रात को दवाई दे देती। I'm fine मम्मी, कोई बुखार नहीं है। No, you're not fine. मैं डॉक्टर को फोन करूं। नहीं प्लीज, इतना भी ज्यादा कोई बुखार नहीं, मुझे नहीं जाना है। उन्हें प्लीज। ठीक है, कुछ खा कर सो जाना, तुमने रात को भी खाना नहीं खाया। हाँ रबी, आप प्लीज जाएं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। फाइल देना ना फलक को। ये फीफी तो अभी तक आई नहीं। अभी तक नहीं आई? आज तो टेस्ट है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो कॉल करो। हेलो फीफी, कहाँ हो तुम? घर पे हमजा। What? Don't you know, आज टेस्ट है? पता है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। फीफी बताओ तो, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ हमजा। I have to go, मैं सोने लगी हूँ। Bye. क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत खराब है, कह रही है शायद टेस्ट ना दे। क्या मतलब बहुत खराब है क्या? उसने कभी टेस्ट किया ही नहीं आज तक। पता नहीं यार, हो सकता है बुखार ज्यादा तेज हो। Come on, let's go. फीफी, फीफी। हमजा। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो तुम खुद ही आ गए, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। खैरियत? पता नहीं, फलक कल से कुछ अजीब सी है। अच्छा, मैं उसी का पता करने आया था। अपने कमरे में है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है। चल मैं देख लेता हूँ। हमजा जी, क्या यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? नहीं वहां तो कुछ नहीं हुआ, बस उसका टेस्ट था, वो उसने मिस किया। टेस्ट की तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ उसकी फिक्र है। प्लीज देखो अगर उसे कुछ खिला पिला सकते हो, मेरी वो बिल्कुल नहीं सुन रही। चलें आप खाना भेज दें, मैंने भी नहीं खाया, तो कोशिश करता हूँ साथ खा लें। आई डू दैट। आ जाओ। क्या तुम कंबल ओढ़ के पर्दे बंद करके सोने की एक्टिंग कर रही हो? तबीयत खराब है तुम्हारी। तुमने तो कहा था कभी नहीं आओगे। क्या करें, मोहब्बत जलील करवाती। प्लीज, जो तुमने रोमियो बनने की ठान ली है ना, वेरी इरिटेटिंग। क्या हुआ, क्यों तबीयत खराब है? कुछ नहीं। तुमने मुझसे फोन पे कहा था तबीयत खराब है। तबीयत खराब नहीं है, दिमाग खराब है मेरा। क्या हुआ फीफी, क्यों रो रही हो उस तरह? क्या हुआ? उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। किसने? सलमान ने? हाँ। You can't even imagine. He shouted at me, he screamed at me. मैंने तुमसे कहा था ना कि दफा करो उसे। कितनी दफा तुम्हें वार्न किया मैंने, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी फीफी। कभी किसी ने इस तरह नहीं बात की, इतना इंसल्ट कभी किसी ने नहीं किया। And what does he think I am? कि मैं फ्लर्ट हूँ, मैं और लड़कों से इस तरह बात करती हूँ, उनकी परवाह करती हूँ। कौन हमज़ा? अब अपने आप को खुद क्या समझता है? हाँ तो दफा करो ना उसे, और शुक्र करो कि पहले पता चल गया सब कुछ। सलमान अंसारी देख लेना हमज़ा, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। नेवर। Stupid man. फोन कर रहा है सलमान। और तुम मुझसे बात नहीं करोगी? लाभ मुझे तो। तुम मुझसे बात नहीं करोगी? हमज़ा गिव मी द फोन। मैं फोन बंद करने लगा हूँ। मुझे देखना है व्हाट डज ही वांट टू से। हेलो। हेलो। यस। तुम रो रही हो? आपको कुछ और कहना है? फलक, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। फीफी, रोने के बजाय चार गालियां दो और फोन बंद करो ताकि दोबारा कभी फोन ना करे तुम्हें। तुम्हारे साथ कोई है क्या? नहीं, वो टीवी ऑन। व्हाट? क्या बकवास है फीफी यार। वो दोबारा कुछ कहे ना तो रोती भी नहीं आना मेरे पास। अच्छा प्लीज फलक, प्लीज स्टॉप क्राइंग। आई एम रियली वेरी सॉरी। सलमान, कभी किसी ने मेरे साथ इस तरह नहीं बात की, कभी इतना इंसल्ट मुझे किसी ने नहीं किया। मैंने भी आज तक किसी के साथ इस तरह बात नहीं की जिस तरह तुमसे की। मैंने किया क्या था? I was just worried about you, सलमान। अच्छा ना, आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज भूल जाओ बस। मैं सारी रात नहीं सोई। मैं भी सारी रात नहीं सो सका। तुम कॉल कर देते, मैसेज कर देते, अपॉलोजाइज कर देते। हिम्मत नहीं हो रही थी फलक। I knew I had hurt you and hurt you very badly. मेरी कॉल लेना क्यों बंद की? I was so busy, कुछ मेहमान आए हुए थे, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। I just couldn't find time to call you. तो एक मैसेज कर देते, मैं आपको तंग नहीं करती। I'm sorry फलक, मुझे नहीं आता कि लड़कियों को कैसे हैंडल करते हैं। शायद तुम अब समझ गई होगी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं। ठीक हो तुम? बहुत अपॉलोजाइज कर रहा था, शर्मिंदा है वो। फीफी, एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो है तुम्हारे पास? हमज़ा, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। और उसने मुझे कॉल की है ना, वो मेरी परवाह करता है। He was very very sorry. परवाह? इसे तुम परवाह कहती हो? फीफी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता तुम अपना जहनी तवाज़ुन खोती जा रही हो, और उसकी वजह सिर्फ सलमान अंसारी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। इतनी जल्दी तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? कितना वक्त लगता है ये जानने के लिए कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है? कम से कम इतना वक्त जरूर लेना चाहिए कि बाद में इंसान को ये ना लगे कि ये वक्ती जुनून था। हमजा प्लीज, मैं 16 साल की लड़की नहीं हूँ कि मुझे वक्ती जुनून और मोहब्बत का फर्क ना पता हो। क्या अच्छा लगा तुम्हें उसमें? क्या अच्छा लगता है फीफी उसमें सिवाय इसके कि वो तुम्हें इग्नोर करता रहता है और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती और तुम इसे मोहब्बत समझ बैठी हो। You know what? तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा फीफी, मैं नहीं समझूंगा। 15 साल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। व्हाट अ जोक यार। तुम्हें क्या लगता है हमजा, सिर्फ तुम मोहब्बत कर सकते हो, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती? कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो फीफी, लेकिन तुम गलत आदमी से मोहब्बत कर रही हो। और तुम्हें कैसे पता कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे लिए सही है या गलत? क्योंकि फीफी, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे मैं 15 साल से जानता हूँ। तुम सलमान को कितने अरसे से जानती हो? There's a time limit on that? बताओ, कितना वक्त लगना चाहिए, कितने साल दोगे कि मैं किसी से मोहब्बत करूँ? तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे मोहब्बत करता? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तो फिर क्यों करते हो तुम मुझसे मोहब्बत? थैंक यू। तुम्हें यकीन है वो तुमसे मोहब्बत करता? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तो फिर क्यों करते हो तुम मुझसे मोहब्बत? तुम गलत आदमी से मोहब्बत कर रही हो। उसने मेरी बहुत इंसाफ की है। तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे लिए सही है या गलत? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अम्मा प्लीज नादरा को मना करें, मेरे घर ना आया करे। उस दिन मेरी दोस्तों के सामने आ गई थी, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। वो लोग क्या सोचती होंगी, किस किस्म का भूखा नंगा खानदान है मेरा। ओहो बेटा, अब क्या हो गया? अम्मा क्या नहीं हुआ, जिस दिन से आपने उसको मेरे घर का रास्ता दिखाया है उसने तो बटीरा ही बना लिया है। रोज आ जाती है। आप उसे प्लीज मना कर दें, मैंने कुछ देना दिलाना होगा मैं आपको दे दूंगी, आप उसको दे दिया करें, मेरे घर वो ना आए। नादरा को भी तुमसे बहुत शिकायतें हैं मैरूनिसा। वो मुझे बता रही थी कि तुम घर के अंदर होती हो और चौकीदार उसे बाहर से ही मना कर देते। ये भी अच्छी रही अम्मा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई तमीज होती है, अजीब सी नाज हो रही है। एक तो मेरे घर आ जाती है बगैर पूछे और फिर शिकायतें भी करती है आपसे। उसे कहकर इतनी शिकायतें हैं तो ना आया कर मेरे घर। मैं बुलाती हूँ क्या उसे? मेरा जिसा, मेरे कहने से वो आती है तुम्हारे घर। और वैसे भी गरीब रिश्तेदारों का हक होता है। होता होगा हक अम्मा, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ना वक्त देखे ना किसी की मसरूफियत और आ जाए सदका खैरात मांगने के लिए। अल्लाह से डर मेरे निसा, अल्लाह से डर। अल्लाह ताला जो भी रिस्क हमें देता है उसमें गरीब रिश्तेदारों का हिस्सा होता है। वैसे भी नादरा बेवा है बेटा, और एक जहनी मरीजा बच्चे की माँ है। कमाने वाला कोई नहीं है उसका, और तू? अल्लाह ना करे, लेकिन दिन फिरने में देर नहीं लगती बेटा। बस अम्मा, आप मुझे ही डराया करें, ठीक है? मुझे ही आप हमेशा गलत कहा करें। मैं तो कोई बात ठीक कर ही नहीं सकती आपकी नजर में। तो कौन सी बात ठीक करती है बेटा? मेरी एक बात नहीं मानती, जो करती है तो अपनी मर्जी से करती, जो तेरा दिल कहता है वो ही करती है तू। हाँ अम्मा, मैं ऐसी ही हूँ। कल को फलक का रिश्ता होगा ना, तो क्या मैं मुंह दिखाऊंगी लोगों को? एक मुकाम है मेरा सोसाइटी में, लोग क्या सोचेंगे? आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती, आप रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। खुदा इस्तगफार कर मेहरून निसा, इस्तगफार कर। या अल्लाह, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? तू ही माफ करने वाला है, माफ कर देना। फलक यार, हम कितनी देर से यहाँ फिर रहे हैं। बहुत sick, I'm tired now, please let's go home। यार but look at these shops, क्या है यहाँ? इसमें हर ब्रांड की चीज मौजूद है यहाँ पे, और आजकल के सारे लड़के यही से चीजें लेते हैं यार। वेल मुझे ये सारी चीजें चीप लगती हैं। प्लीज, कौन सी ऐसी स्पेशल चीज लेनी है तुम्हें सलमान अंसर के लिए? समथिंग नाइस, समथिंग एक्सपेंसिव, something he doesn't have। फलक, उसको इतने ऊंचे पेडस्टल पर मत रखो कि खुद ही पहुंच नहीं पाओगी। इसमें एनीथिंग यार। प्लीज रिशा, डोंट स्टार्ट योर लेक्चर्स हियर। यू नो फलक, समटाइम्स आई रियली थिंक जैसे सलमान अंसर ने तुम पे कोई काला जादू कर दिया है। व्हाट्स हैपेंड टू यू? मुझे कभी याद नहीं पड़ता था कि तुम किसी भी लड़के के पीछे इतनी ख्वार हुई हो यार। हमजा के लिए तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। हमजा? तुम हमजा को इसमें क्यों ला रही हो? मैं हमजा को बीच में नहीं लाई, तुम सलमान को बीच में लाई हो। You know what? हमजा की बात हो ही रही है तो रिशा, can you do me a favor? क्या? प्लीज हमजा को किसी तरह से समझा दो कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। I mean, वो मेरा बचपन का दोस्त है। I mean, he's like my buddy यार। I love him, he's my best friend। लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करती। इनफैक्ट मैं उससे मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकती। सो प्लीज समझाओ उसे। Been calling you for so long यार, तुम कहाँ थे? वो इंग्लिश लीग का मैच लगा हुआ था फाइनल, वो देख रहा था। सलमान, मैं समझी तुम मसरूफ थे। हाँ तो था ना मसरूफ, बता रहा हूँ, मैच देख रहा था। फुटबॉल मेरा पैशन है। Yeah, but it's just a game. I mean, गेम्स के लिए लोग इंसानों को तो नहीं इग्नोर करते, और स्पेशली उन लोगों को जो आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हेलो हेलो, चुप क्यों होगी? बोलो ना। सवालों के जवाब मुश्किल होते हैं। क्यों होते हैं मुश्किल? सलमान, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं तो तुम क्या कहोगे? तो फिर मैं ये कहूंगा कि तुम बहुत बेवकूफ हो। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? लड़कियां बड़ी जज्बाती होती हैं, बगैर सोचे समझे किसी से भी मोहब्बत कर बैठती हैं। और मुझे तो कई दफा ये एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे इस तरह की सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़ा। वैसे मुझसे मोहब्बत करके करोगी क्या? I don't know. I'm not sure.